हेलो दोस्तों, अभी अभी मैंने मूवी देखी प्रोजेक्ट पावर, जो नेटफ्लिक्स पे परसों ही रिलीज हुई है 14 अगस्त को, और ऑफिशियली हिंदी में डब है। आप चाहो तो हिंदी में देख सकते हो। और बात करें हिंदी डबिंग की, तो एक दो बार जो रैपिंग वाले सीन आते हैं उसे थोड़ा इंग्लिश में देख लेना, और एक दो बार आपको गली बॉय का नाम सुनने को मिलेगा। बाकी डबिंग बहुत ही अच्छी की गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें मूवी की, तो मूवी में तीन कैरेक्टर मेन है, जेमी फॉक्स, जोसेफ गॉर्डन और डोमिनिक फिशबैक। डोमिनिक पे कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है स्टोरी में, लेकिन मुझे तो जेमी फॉक्स को देखने में बड़ा मज़ा आया, मुझे आपका पता नहीं। बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, तो शहर में एक नई गोली आ चुकी है जिसको खाने से 5 मिनट की सुपर पावर मिलती है, और पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और उसका ओवरडोज हो गया तो आप शायद मर भी सकते हैं। और डोमिनिक जो वो गोलियां बेच रही है, और जोसेफ जो वहां के लोकल पुलिस है, वो अपने शहर को गोली से फ्री करना चाहते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है जिमी फॉक्स की, जो उसकी जो बेटी है वो गोलियां बनाने वालों के कब्जों में है, और वो तीनों मिलकर उसकी बेटी को बचा पाते हैं या नहीं, और उसकी बेटी उनके पास क्यों है, वो सब समझने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और आपको मन में एक सवाल होगा कि ये हमारी इंडियन मूवी इरू मुगन की रीमेक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है कि गोली खाने के बाद 5 मिनट की सुपर पावर मिलती है, लेकिन स्टोरी पूरी अलग है, इसकी भी अलग है, उसकी भी अलग है। और आपको ऐसा लगता होगा कि सुपर पावर वाली मूवी है तो बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना आपने ट्रेलर में देखा था उतना ही आपको एक्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जितना भी आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी एक्शन सीन है, जितने भी एक्शन सीक्वेंस है, उसका VFX, उसका कैमरा वर्क इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि आपको ज़रा सा भी उसमें कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से एक्शन दिखाया गया है, और VFX भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, और कैमरा वर्क तो इस मूवी का कैमरा वर्क ही है जो इस मूवी को बहुत ही अच्छी बना रहा है। और चाहे वो कोई भी कैमरा वर्क हो, क्लोजअप वाला एंगल हो, 360 एंगल हो, या कोई भी एंगल आप ले लो, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क किया गया है इस मूवी में। और तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ही अच्छी तारीफ कर रहा हूँ तो मूवी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी में एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो मैं आपको अभी बताऊँगा, वो है डिटेलिंग, मूवी की डिटेलिंग और एडिटिंग कुछ इस तरह, मूवी की एडिटिंग कुछ इस तरह से की गई है कि हमें डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती मूवी की, क्योंकि 2 घंटे की मूवी है और दिखाने के लिए बहुत कुछ है उन लोगों के पास। मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर 2 घंटे की मूवी नहीं, लेकिन पूरे 8-10 एपिसोड का एक वेब सीरीज बनानी चाहिए थी, तो हमें बहुत ही अच्छी एक डिटेलिंग देखने को मिल जाती, क्योंकि मूवी में हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता कि गोलियां कहां से आई, वो फ्री में शहर में क्यों बात रहे हैं, और उसकी बेटी उनके पास क्यों है, और उनकी बेटी को क्यों पकड़ के रखा है, और उनकी बेटी के पास सुपर पावर कहाँ से है, वो सब वगैरह वगैरह आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, लेकिन उसकी डिटेलिंग हमें मूवी में देखने को नहीं मिलती। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी एक 2 घंटे की मूवी नहीं, एक 8-10 एपिसोड का एक पूरी वेब सीरीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि आइडिया बहुत ही अच्छा है। पता नहीं वो हमारी इंडियन मूवी इरू मुगन से लिया है या फिर उन्होंने खुद सोचा है, जो भी है अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको दिखाने के लिए जो टाइम चाहिए वो उन लोगों के पास नहीं था, और 2 घंटे में जो जितना दिखाना था उन्होंने दिखाया है, और जितना भी दिखाया है बहुत ही अच्छा दिखाया है। और मूवी की बात करें तो बहुत ही अच्छी मूवी है, टाइम पास मूवी है, आप एक बार ज़रूर देखिए मूवी को, और बच्चों के साथ देखिए, क्योंकि उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये मूवी। और अभी एक बार ये मूवी देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रह गया हमें बताने को और बहुत कुछ रह गया हमें दिखाने को, तो इसका सीक्वल ज़रूर आ सकता है। और आपने अगर ये मूवी देखी है तो बताना मुझे कैसी लगी, अगर आप देखने वाले हो तो देखने के बाद मुझे बताना आपको कैसी लगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। बाय बाय।